मैं हार क्यों रहा हूँ? कभी किया है ये सवाल अपने आप से? अगर किया होता तो शायद तुम्हारे पास एक ऐसा जवाब होता जो तुम्हें फिर कभी हारने नहीं देता। देखो, दुनिया में हर कोई जीतना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी की यही मंजिल होती है और हर किसी की निगाह भी अपनी मंजिल पर ही होती है। लेकिन शायद यही एक छोटी सी चूक भी हो जाती है। हमेशा मंजिल पर निगाहें रखने वाला रास्ते पर अपनी नजरें नहीं रख पाता। ये रास्ता होता है मुश्किलों से भरा, ये रास्ता होता है असफलताओं से भरा हुआ, जो अच्छे खासे इंसान की हिम्मत तोड़कर रख सकता है। अगर तुम्हें भी लग रहा है कि पूरी मेहनत करने के बावजूद तुमको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तुमको वो हासिल नहीं हो रहा जो तुम पाना चाहते हो, तो एक बार अपने आप से ये सवाल पूछने की बजाय कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ, ये पूछ कर देखो कि मैं हार क्यों रहा हूँ। तब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो तुमको जीतने नहीं दे रही। क्या तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है? क्या तुम समय बर्बाद करते हो? क्या तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं पता? क्या तुम मेहनती नहीं हो? देखो, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो तुमको पता चलेंगी, और सिर्फ पता चलने से काम नहीं चलेगा। जिस दिन तुमको ये पता चल जाए कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर की उस कमी को दूर करने पर काम करना पड़ेगा। देखो, कोई कमी एक दिन में दूर नहीं होती, तुम्हें बहुत लंबे समय तक प्रयास करने होंगे। लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे और ईमानदारी से कोशिश करोगे तो अपने अंदर की उस कमी को तुम एक ना एक दिन जरूर दूर कर दोगे। और जिस दिन तुम्हारे अंदर की सारी कमियां दूर हो जाएंगी, उस दिन तुम एक बहुत बड़ी जंग जीत चुके होगे, और यही जीत तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। दुनिया की सबसे बड़ी जंग होती है अपने आप से जीतना, अपने मन से जीतना और बुरी आदतों से जीतना। जो इंसान ये जंग जीत लेता है उसके लिए बाकी कोई भी चीज मुश्किल नहीं रह जाती। और हम यही तो गलती करते हैं, हम सिस्टम को दोष देते हैं, माता पिता को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं, दोस्तों को दोष देते हैं, लेकिन कभी खुद से ये नहीं पूछते कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम क्यों हार रहे हैं। देखो, तुम्हें ये बताने वाले तो इस दुनिया में हजारों मिल जाएंगे कि तुम कैसे सफल हो सकते हो, कैसे जीत सकते हो, लेकिन ये बताने वाला तुमको पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा कि तुम हार क्यों रहे हो। इस सवाल का जवाब तुम्हें अपने आप से ही मिलेगा। लेकिन शायद एक कारण ऐसा है जो मैं आपको बता सकता हूँ। शायद आप इसलिए हार रहे हो क्योंकि आपको जीतने की जरूरत ही नहीं है। शायद तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई कमी ही नहीं है जिसको तुम पूरा करना चाहते हो। देखो, जब कोई इंसान भूखा होता है तभी उसे खाने की कदर होती है, जब कोई गरीब होता है तब उसे पैसे की कदर होती है। वैसे ही जब किसी इंसान के पास कोई कमी होती है जिसे वो हर हालात में पूरा करना चाहता है, तो फिर वह इंसान जीत कर ही दम लेता है, उस चीज को हासिल करके ही दम लेता है, क्योंकि उसे उस चीज की बहुत जरूरत थी। तो तुम भी अपने आप से पूछो कि जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, जो भी तुम्हारी मंजिल है, उसकी तुम्हें जरूरत क्यों है और उसकी तुम्हें कितनी ज्यादा जरूरत है। और अगर वाकई में तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई चीज है जिसे तुम हासिल करना चाहते हो, सच्चे दिल से पाना चाहते हो, तो बिल्कुल मत सोचो, पूरी जान लगा दो और अपने अंदर की हर कमी को दूर कर दो और पूरी शिद्दत से अपनी मंजिल को पाने के लिए दिन रात एक कर दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो यकीन मानो तुम कभी नहीं हारोगे।